गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कल हमने बनाकर सिस्टर लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा और हम लेसन के एंड तक पहुंच चुके थे। टुडे वी विल जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। कुछ पॉइंट्स इस लेसन से जो हमें ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है खास करके, प्लीज फोकस। पहले प्री टास्क में हमने दशरथ मांझी के बारे में पढ़ा। अब ये इस टुकड़े से हमें दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले He cut the Gellon hills to make a path that could connect the village to town after the demise का मतलब होता है death of his wife. Second point जो हमको याद रखना है वो ये, he could not even sign, उनको signature करना नहीं आता था, मतलब कि वो अनपढ़ थे। He was uneducated but far sighted का मतलब होता है दूरदर्शी। And was determined to fight all odds. और उनको पता था कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए वो किसी भी तरह से, एक बार जब उन्होंने फैसला कर लिया तो वो गैलोर हिल्स को काटकर एक रास्ता जरूर बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। ये था प्री टास्क। सेकेंड, अब हम चल रहे हैं ट्रैक्स टू ताजनगर। ताजनगर के बारे में, इस टूटे के बारे में हमको क्या याद रखना है? 3,000 villagers, mostly farmers, जो ज़्यादातर के किसान थे, pooled in 21 lakh rupees, उन्होंने मिलकर 21 लाख रुपए इकट्ठे किए to build a railway station at ताजनगर। ताजनगर में उन्होंने रेलवे स्टेशन का निर्माण किया अपने खर्चे पर, I repeat, अपने खुद के खर्चे पर, without government help, मतलब सरकार ने इस पर एक रुपया भी नहीं खर्चा किया। Now we come to Sitapur lights. Sitapur lights में हमें क्या याद रखना है? With the help of solar panels and many micro grids, NGP gave 2 LED connections and 2 LED lights and one mobile charging point to households paying 25 rupees every week. हर वो घर जो 25 रुपया देने को तैयार था उनको 2 LED लाइट की कनेक्शन और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट उनको दिया गया सोलर पैनल और माइक्रोग्रिड सिस्टम से। ये था सीतापुर लाइट्स।